हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन टर्जागीज थ्योरी। मतलब कि जो भी टर्जागी की थ्योरी में हमने एनालिसिस किया और एक इक्वेशन को फाइंड आउट किया एक डेप्थ के रेफरेंस में, एक फुटिंग के रेफरेंस में, तो जब आपके उस पर्टिकुलर फुटिंग के नीचे अगर वाटर टेबल अप एंड डाउन होती है उसके राइज से या फिर उसके कम होने से, तो उसके कारण से उस सॉइल की अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में या फिर नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में क्या फर्क आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बट उसे समझने के लिए आपको एक डायग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आप पूरा का पूरा काम क्लियर करोगे। ठीक है, तो आइए एक डायग्राम के हेल्प से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी क्या है, फुटिंग है। जैसा कि टर्जागी की इक्वेशन में हमें पता है ये लोड लग रहा होगा क्यू एफ। ठीक है, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, जो कि ग्राउंड लेवल है इसकी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, डी एफ होगी। ठीक है ना, इसकी जो डेप्थ होगी क्या है, डी एफ है। ठीक है ना, इसकी जो बिड्थ है वो क्या है, कैपिटल बी। तो ये जितनी बिड्थ है उसी बिड्थ के डेप्थ में, मतलब के उसी बिड्थ के रेशियो के डेप्थ में आपका एक जोन होगा। ठीक है, और एक और जोन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब टर्जागी ने तीन अलग अलग जोन में वाटर टेबल को कंसिडर किया। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे उसने क्या माना, जोन थ्री माना। ठीक है, आपका मन है जोन वन मान लो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, बेस ऑफ फुटिंग और इस बी डेप्थ के बीच में एक जोन माना, जिसको नाम क्या दिया उसने, जोन टू। ठीक है, जो टू। और तीसरी चीज इस डीएफ और इस ग्राउंड लेवल के बीच में एक जोन माना, जिसको नाम दिया उसने क्या, जोन वन। ठीक है, ठीक। तो यहां से इस ग्राउंड लेवल से इस जोन की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, जेड वन। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। इस बेस ऑफ फुटिंग से ये इस जोन तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, जेड टू। तो अगर ये बी है और ये जेड टू है तो इस रिमेनिंग की कितनी हो जाएगी डेप्थ, बी माइनस जेड टू हो जाएगी। जबकि अगर मेरा ये टोटल डीएफ है, इस टोटल डीएफ में से जेड वन अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरी यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डीएफ माइनस जेड वन। बस इतनी कंडीशन अगर आपने समझ ली है तो आपको इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप अगेन फिर से मैं समझा रहा हूं, जो टर्जागी ने इफेक्ट ऑफ वाटर के लिए तीन जोन डिसाइड किए हैं, सबसे पहला एक ये ग्राउंड लेवल से बेस ऑफ फुटिंग तक डेप्थ ऑफ फुटिंग है, उस डेप्थ ऑफ फुटिंग के बीच में एक बार जोन वन ले लिया है, जो उस बेस ऑफ फुटिंग के जस्ट नीचे किस डेप्थ तक जितनी बिड्थ है फुटिंग की उसी बिड्थ की फुटिंग के रेफरेंस में उसने एक डेप्थ ली और उसके बीच में एक जोन टू ले लिया और उनके नीचे एक जोन थ्री कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अलग अलग जोन के अंदर उसकी कंडीशन आ रही है। देखिए, सबसे पहले हम केस वन के बारे में बात करेंगे। केस वन क्या है आपका, केस वन क्या है, व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट इन जोन थ्री। तो क्या चीजें होंगी, अगर हम टर्जागी के अकॉर्डिंग बात करें, अगर ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट है उस डेप्थ के, सपोज देखिए ये जो बिड्थ है उस बिड्थ के डेप्थ के बाद अगर वाटर टेबल है तो उसके यूबीसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये बी की वैल्यू 5 मीटर है
तो मुझे जो ये सेकेंड जोन के नीचे ये कितना, ये भी 5 मीटर होगा। तो अगर ये 5 मीटर के नीचे अगर मेरा वाटर टेबल है तो मेरे यूबीसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो मेरा इक्वेशन है क्यू यू इज इक्वल टू सी डॉट एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस हाफ गामा डॉट बी डॉट एन गामा, ये एज इट इज ही रहेगा। इसी बेसिस पे मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। शेप फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे जो भी स्पेसिफिक से होएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा मेरी कंडीशन क्या है, केस टू क्या है मेरा, केस टू क्या है, व्हेन व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट इन जोन टू, ठीक है। जब आपका वाटर टेबल प्रेजेंट होएगा जोन टू में, मतलब के इस बिट के कम हो रहा है, मतलब ये जो बिट ली है हमने, ये इस फॉर्म में बिट ली है, उससे अगर जब कम होगा तो दो तरीके हैं आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस इस जोन पे जो भी सॉइल आ रही है, इस जोन में जो भी सॉइल आ रही है गामा, तो गामा चेंज होएगा, जाहिर सी बात है। गामा कहाँ का चेंज होएगा, गामा यहाँ का चेंज होगा, यहाँ का गामा चेंज होएगा, जबकि यहाँ का गामा चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। पहला तरीका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का, बाय बाय इक्विवेलेंट यूनिट वेट, बाय इक्विवेलेंट यूनिट वेट, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट वेट में आप क्या करोगे, गामा इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करोगे, गामा इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करोगे। तो जो ये वाला टर्म है जेड टू, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, गामा डॉट जेड टू रहेगा। समज्ड कौन हो रहा है, ये वाला टर्म हो रहा है समज्ड, तो क्या हो जाएगा, गामा समज्ड बी माइनस जेड टू अपॉन किसके रेफरेंस में, टोटल बी के रेफरेंस में, ठीक है, बी के रेफरेंस में, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, आई होप, ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करेंगे, क्यू यू में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सी डॉट एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस, अब जो यहां पे गामा यूज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, गामा इक्विवेलेंट 1/2 बी डॉट एन गामा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेप फैक्टर जो भी होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। यहां पे जो चेंज आएगा थर्ड टर्म में ही चेंज आएगा, थर्ड टर्म में, क्यों, क्योंकि ये गामा ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये गामा ही चेंज हो रहा है। अब इस गामा सबमर्ज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, गामा सबमर्ज को आप किस तरीके से लिख सकते हो, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू। अब गामा सबमर्ज क्या है, बी माइनस जेड टू है, तो गामा सैचुरेटेड बी माइनस जेड टू, गामा डब्ल्यू बी माइनस जेड टू, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपका पहला कंडीशन केस टू के लिए। बट जब आप बात करते हो बी के लिए, तो बी एक और तरीका होता है क्या, बाय यूजिंग करेक्शन, बाय यूजिंग करेक्शन फैक्टर, बाय यूजिंग करेक्शन फैक्टर। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली आप करेक्शन फैक्टर यूज करते हो, आर गामा इज इक्वल टू 0.5 वन प्लस जेड टू अपॉन बी। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड कहां पे होगा, इस थर्ड टर्म में अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू यू इज इक्वल टू सी डॉट एन सी प्लस गामा डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस आर गामा हाफ बी डॉट गामा डॉट एन गामा। ये डायरेक्टली करेक्शन फैक्टर कहाँ लग गया, थर्ड टर्म में लग गया। तो इस तरीके से आप इसको क्यू यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले केस वन हो गया, फिर केस टू हो गया। अब आप बात करेंगे केस थ्री की, केस थ्री में जब वाटर टेबल कहाँ पे प्रेजेंट है, जोन वन में। तो आइए बात करते हैं जोन वन में, यानी कि केस थ्री में। तो बात करते हैं केस थर्ड की, जब वाटर टेबल आपका प्रेजेंट कहाँ पे होगा, जोन वन के अंदर होगा। तो देखते हैं क्या होंगी चीजें। केस थर्ड, व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट इन जोन
वन। अगर जब वाटर टेबल जोन वन में है, मतलब ये पूरा का पूरा जो जोन है वो कैसा हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो जब ये सबमर्ज्ड हो जाएगा तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, जो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो आप गामा ले रहे थे, तो अब यहां गामा नहीं लेंगे, गामा सबमर्ज्ड लेंगे। थर्ड टर्म पूरा का पूरा क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा, ये जो बी वाला फैक्टर था, ठीक है। जबकि सेकेंड टर्म जो होगा वहां पे आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। और अगेन दो तरीके हैं आपके, क्या, पहला बाय इक्वी वैलेंट, बाय इक्विवेलेंट यूनिट वेट, बाय इक्विवेलेंट यूनिट वेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जेड वन इंटू गामा वन प्लस गामा समर्ज डी एफ माइनस जेड वन, ठीक है। ये गामा वन इंटू जेड वन प्लस गामा सबमर्ज इंटू डी एफ माइनस जेड वन हो जाएगा, ठीक है, डी एफ माइनस जेड वन बी माइनस जेड वन, ठीक है। अगेन इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जेड वन इंटू गामा वन प्लस गामा सेचुरेटेड डी एफ माइनस वन माइनस गामा डब्ल्यू डी एफ माइनस जेड वन। वही गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्शन फैक्टर लगा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएंगी चीजें, क्यू यू इज इक्वल टू सी डॉट एन सी प्लस, अब ये गामा भी क्या हो जाएगा, गामा इक्विवेलेंट डॉट डी एफ डॉट एन क्यू प्लस हाफ गामा सबमर्ज्ड बी इंटू एन गामा। इस तरीके से ये फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था, बाय यूजिंग करेक्शन फैक्टर, बाय यूजिंग करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर में क्या हो जाएगा, सेम ये क्या हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव वन प्लस, वहां पे चीजें अलग थी, बी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड वन अपॉन डी एफ, वहां पे जेड टू अपॉन बी था, बट यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये आर क्यू वाला जो टर्म है वो कहाँ यूज हो जाएगा, इस सेकेंड टर्म में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेकेंड टर्म में यूज हो जाएगा। अब चीजें और कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी, क्या नोट एक यहाँ पे आएगा, क्या नोट आएगा कि वाटर टेबल से, अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है फुटिंग के पास और प्योरली कोहेसिव सॉइल का केस है, किसका, फाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्योरली प्योर कोहेसिव सॉइल का केस है, प्योर कोहेसिव सॉइल का केस है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी प्लस गामा डॉट डी एफ, और यहाँ पे नेट अल्टीमेट क्या हो जाएगी, क्यू यू माइनस गामा डी एफ। क्यू यू क्या है, सी प्लस गामा डी एफ माइनस गामा डी एफ, यानी गामा डी एफ क्यू एन। मतलब के ये क्या बोल रहा है, प्योरली कोहेसिव सॉइल है और वाटर टेबल वहां पे प्रेजेंट है, तो उसकी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में पानी के रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये टरजागी का इक्वेशन कहता है। और प्योरली कोहेसिव सॉइल के अंदर जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो कोहेजन के ऊपर डिपेंड करेगी। जबकि जबकि हम प्योर प्योर कोहेजन लेस सॉइल के बारे में बात करें, कोहेजन लेस सॉइल के बारे में बात करें, कोहेजन लेस सॉइल यानी कि वहां पे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कैसे चेंज होंगी, आइए बात करते हैं। तो देखते हैं फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्यू यू की बात करूं मैं सबसे पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोहेजन लेस सॉइल है, सी डॉट एन सी तो वैसे ही हट हट जाएगा, डी एफ इंटू ये क्या हो जाएगा, एन क्यू प्लस हाफ गामा बी इंटू गामा, ये इक्वेशन मैं मान के चलता हूँ ए हो गई, ठीक है। इफ
ग्राउंड वाटर टेबल इज रेज्ड अप टू ग्राउंड लेवल, तो क्या हो जाएगा? मैं मान के चलता हूं डीएफ डॉट गामा सबमर्ज्ड एन क्यू प्लस हाफ गामा सबमर्ज्ड बी डॉट एन क्यू, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी बन जाएगी। अगर मैं इन इक्वेशन को अप्लाई करता हूं एक दूसरे के साथ, क्या होगा? क्यू यू अपॉन क्यू यू डैश, पूरे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? गामा अपॉन गामा डैश, गामा अपॉन गामा डैश। ये कब? जब ग्राउंड वाटर टेबल के राइज के पहले की कंडीशन होगी, ठीक है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? गामा समझ को और क्या लिख सकते हो आप? गामा अपॉन 0.5 टाइम्स ऑफ गामा सेचुरेटेड, ठीक है? 0.5 टाइम्स ऑफ गामा सेचुरेटेड। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, क्यू यू इज इक्वल टू क्यू यू डैश इज इक्वल टू 1/2 क्यू यू। मतलब कि अगर सेचुरेटेड सॉइल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल अगर आपका ग्राउंड लेवल तक रेज्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बियरिंग कैपेसिटी जो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितनी? 50% तक बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर एक सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी पे अगर पानी आ जाए, तो जो उसकी रिजिडिटी होती है, जो उसकी मजबूती होती है, पानी कारण क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ उसकी ब्रेक हो जाती है, कोहेजन उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पानी आएगा तो बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एट द एंड जब हम एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं फॉर टर्जागी इक्वेशन, क्या निकल के आता है, देखिए बात करते हैं, ठीक है? क्यू यू इज इक्वल टू एस सी डॉट सी डॉट एन सी, ठीक है? एस क्यू आर क्यू गामा डॉट डी एफ एन क्यू प्लस एस गामा आर गामा एन गामा बी 1/2, ठीक है? 1/2 × गामा। तो ये आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने का एक जनरल एक्सप्रेशन बनता है जो कि टरजागी ने दी थी। तो आई होप आपको टरजागी की एनालिसिस, इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, एजम्पशन सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टरजागी की लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।